वेलकम बैक टू माय चैनल मैच दिया। आज मैं आपके साथ एडेनियम की अपडेट देने वाली हूं, तो वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर देखिए जितने भी सीट पॉड बनते हैं ना, इस तरह से इस कंडीशन में होकर के ख़त्म हो जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी है या फिर पानी की कमी है या तो फिर धूप की कमी है। धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है, देखिए फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। अगर पानी और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा होता तो ये फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहा होता। लेकिन जो सीड पॉट बने तो हो सकता है जो लगातार बारिश होती रही, तो बारिश की वजह से तो उस समय गल गए, समझ में आ रहा था। लेकिन अभी अब मतलब फिर से ख़राब हो रहे हैं जो थोड़े बहुत बचे थे, तो या तो उसी समय की बारिश का असर होगा या तो फिर अब धूप तेज़ होने लगी इसकी वजह से सूखने लगे। यहाँ पर एक बना ही अभी देखिए सूख गया है, तो सीड पॉट तो नहीं ठीक से बन पा रहे हैं लेकिन फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। एक देखिए इधर रेड कलर का फूल आया है, बहुत प्यारा सा। ये सीड ग्रोन प्लांट है और काफ़ी सुंदर सा है। इधर हमारे जो बड़े प्लांट थे मैंने यहाँ पे लाके शिफ्ट कर दिए क्योंकि नीचे भी जगह नहीं है। इधर कुछ मेरे सीड ग्रोन प्लांट हैं जो मैंने ट्रिपल लेयर की सीड से ग्रो किए हैं। आज इसका फ्लावर भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर सा फ्लावर खिला है। रेड कलर का तो नहीं खिला है लेकिन ट्रिपल लेयर का फूल खिला हुआ है इसके सीड से तैयार हुए प्लांट में। इधर छोटे छोटे सीडलिंग हैं जिनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है क्योंकि बारिश में इतना मतलब हुआ है, बारिश की सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी था वैसे मैंने ज़्यादा मिलाया नहीं था, बस थोड़ी थोड़ी एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिला के लगा दिया था इनको, तो उस कंडीशन पर इनको फर्टिलाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा और शायद फिर उससे ग्रोथ करने लगे। इधर की ग्रोथ अच्छी हो रही है, मेरे मरून कलर की सीडलिंग है, मरून जो ये मैं आपको फ्लावर अभी दिखाऊँगी, ये तो देसी वाले ही हैं सारे। और वीड्स भी इतने ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, वीड्स आप हटाते रहें प्लांट से तो प्लांट आपका जो न्यूट्रिएंट्स है ये सक नहीं करेंगे, नहीं तो ये भी आधा न्यूट्रिएंट्स यही खींच लेते हैं। ये देखिए ये जो मरून कलर का इसके सीड इसमें सीड बना हुआ था तो मैंने वो ग्रो किया था, तो वो सीडलिंग काफ़ी अच्छी हेल्दी है। देखूँगी एक आध मतलब वेट करना पड़ेगा कि फूल से मरून खिलता है या फिर रोजी वेराइटी का खिलता है तो ठीक है, नहीं तो उनमें फिर बाद में मैं ग्राफ्टिंग कर लूँगी। तो इस तरह से दिख रहा है। इधर हमने थोड़ी सी विंटर की भी तैयारी करी है, शुरुआत करी है, मैंने गमले भर दिए हैं, बस प्लांट ला के लगाने। प्लांट भी मैं ले आई हूँ, अभी सीडलिंग है तो वो तैयार हो रही है। कुछ सीडलिंग देखिए यहाँ पर है जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, थोड़ा ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से पत्ते पीले होने लगे हैं लेकिन फिर भी ठीक है। ये एक प्लांट है जिसमें मैंने तीन कलर की ग्राफ्टिंग की है, एक तो डार्क रेड कलर है ट्रिपल लेयर में, एक डार्क मतलब पिंक और वाइट का वेरिएशन वाला है और एक डार्क पिंक है ये वाले फूल, तो ये तीन कलर की मैंने ग्राफ्टिंग की है। देखिए क्रिस्पम हमारा ये लगभग सूखा सा हो गया है, एक फूल तब भी खिला। ये मेरी सीडलिंग है जो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, वही ट्रिपल लेयर रेड वाली, ये इधर मधुकामनी प्लांट है और ये एक मैंने ग्राफ्ट किया था अभी लगभग डेढ़ दो महीने पहले, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। येलो में देखिए कितने सुंदर फूल आए हुए हैं, पूरा फूलों से भरा हुआ है, और इधर पिंक में इसमें वेरीगेटेड फूल आए हुए हैं और ये भी पूरा फूलों से भरा हुआ है। और जो मैंने ग्राफ्ट किए थे, जो प्लांट मैंने सेल कर दिए, उनके साथ के कुछ प्लांट मैंने कल रिपोर्ट किए क्योंकि एक ग्रो बैग में तीन तीन प्लांट लगे हुए थे तो मैंने उनको अलग अलग किया है और उन्हें भी देखिए समय के लिए आए हुए हैं। प्लांट छोटे ही हैं, बड़े नहीं हैं, इनकी जो स्टेम है छोटी है अभी। और ये देखिए अभी इधर देखिए आज एक न्यू कलर खिला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा फूल है इसका, बहुत ज़्यादा अभी खिला नहीं है पूरा। और ये पिंक वाले बहुत अच्छे खिल रहे हैं, इधर मरून में भी फ्लावर आया हुआ है। और आपको चलिए सीडलिंग दिखा देती हूँ जो मेरी सीड ग्रोन प्लांट हैं, 7 मंथ के सीडलिंग है और देखिए इसमें डबल या ट्रिपल लेयर का फूल खिला है, डबल लेयर का फूल खिला है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा। और एक में और कलिया आ गई है, ये मतलब कि रेड कलर का जो प्लांट था उसके सीड से मैंने ये प्लांट ग्रो किए थे, ये देखिए ये डार्क रेड है ट्रिपल लेयर में और उसके सीड से ऐसा कलर निकल करके आया है। तो सीड्स ग्रोन में चेंज हो जाता है कलर, कभी कभी तो सिंगल पेटल भी निकल जाते हैं लेकिन मेरे पास देखिए डबल निकला है, फर्स्ट फ्लावर जो खिला है, बाकी के तो पता नहीं, मैंने 10-12 प्लांट और है मेरे तो उनमें तो अभी कलियाँ नहीं आई हैं। देखिए प्लांट की ग्रोथ सभी की अच्छी है पर अभी कलियाँ इनमें नहीं आई, थर्ड फ्लोर पर रखे थे मैं, वहाँ से उठा लाई, वहाँ पर रखे होते तो शायद इनमें भी अभी तक कलियाँ आ गई होती। और ये देखिए इधर भी, इधर वाइट वाला जो मेरा पीछे गिर गया था प्लांट उसमें फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं, इधर भी येलो है। ये कुछ ग्राफ्टेड प्लांट हैं तो मैंने सेल करना बंद कर दिया क्योंकि स्टेम जो है ना इनकी बहुत छोटी है अभी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है किसी किसी को, इसलिए मैंने सेल करना बंद कर दिया। और वैसे भी अब विंटर आने वाला है तो फिर भी से फरवरी से स्टार्ट करूँगी तो थोड़ा इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और उसका मतलब ठीक ठाक रिजल्ट भी आएगा।
वैसे मैंने कोशिश करी थी कि जितने भी प्लांट में दूँ लोगों को, तो हेल्दी प्लांट ही दूँ, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी। तो ये देखिए एक आध प्लांट ख़राब हो गया था, और ये देखिए बंचेस में फ्लावर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फूल तो मुझे अपने गार्डन के सभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे ना गार्डन में जो मतलब अट्रैक्ट करता है थोड़ा कलर ना, वो कलर पसंद आते हैं मुझे। लाइट कलर बहुत कम पसंद आता है। लाइट ऐसा नहीं है, जैसे वाइट है, वाइट बहुत अच्छा लगता है, येलो भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा मतलब होता है ना कि कोई सभी कलर ऐड कर लें तो ऐसा नहीं होता। मुझे जो डार्क कलर होते हैं ना ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैं डार्क कलर चाहती हूँ कि डार्क कलर लूँ मैं। तो जो प्लांट आपको लेकर, ये प्लांट मैं देख करके लाई थी, ये फ्लावर भी मैं देख करके लाई थी, ये इसके प्लांट मैंने इस बार कई सारे सेल किए हैं, अभी पूरा खिला नहीं, बहुत खूबसूरत सा फूल इसका निकल करके आता है। और इन इनको और मैरून वाले को, इनको तो मैंने देखा भी नहीं था, सिर्फ प्लांट की पत्तियां देख करके मैं प्लांट लाई थी, लेकिन मेरे अल्लाह कितना अच्छा था कि ये प्लांट इतना सुंदर निकला कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इससे मैंने ना जाने कितने प्लांट बनाए होंगे, कितने प्लांट मैंने सेल भी किए होंगे इसके, बहुत अच्छा लगता है ये। और ये देखिए ये मतलब रेड का भी लुक देता है, पिंक का भी देता है, साथ में वेरीगेटेड भी देता है, मतलब कई सारे इसमें कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये येलो है हमारा, एक नया और खिलने वाला है, अभी खिला नहीं है फिलहाल। तो ये देखिए डार्क रेड कलर है और ब्लैक है साइड से, बहुत सुंदर सा ट्रिपल लेयर में फूल है इसका भी। और ये रेड कलर के मिस इंडिया वेराइटी है, मिस इंडिया है या नहीं है पता नहीं, लेकिन किसी ने बताया था मिस इंडिया, किसी ने बोला क्रॉस पॉलिनेशन से तैयार किया गया प्लांट है, मुझे खुद नहीं पता इसका असली नाम। ये देखिए और कलियां देखिए, आप पूरे प्लांट में कलियां हैं, कलियां आपको दिखेंगे, एक न्यू और है, लेकिन इसकी कलियां पता नहीं कैसे बढ़ती ही नहीं है और ये ऐसे फट जाता है, इसको भी शायद न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। मैंने काफ़ी टाइम से कुछ दिया भी नहीं है मिट्टी में, इनमें फर्टिलाइज़र अभी तक नहीं दिया मैंने जो देना था मुझे। तो इस तरह चल रहा है, एक नया कलर और खिलने वाला है, ये ट्रिपल लेयर में बहुत ही ब्यूटीफुल रेड और डार्क ब्लैक कलर में आएगा, मतलब किनारा इसका थोड़ा ब्लैक इस तरह रहेगा और रेड रहेगा। ये मैंने अपने फ्रेंड से एक्सचेंज किए थे, उनको मैंने ये वाले रेड और ये वाले पिंक कलर के दिए थे, और उन्होंने मुझे एक ये दिया था और एक ट्रिपल लेयर में खिला था पिंक कलर का, जो थोड़ा झुमके जैसे नीचे की तरफ लटकता वो फूल, वो दो प्लांट और एक जो क्रिस्पम वाला, तीन प्लांट हमने एक्सचेंज किए थे। और ये देखिए कुछ मैंने यहाँ पे ग्राफ्ट किया है, देखिए जो रेडियल रूट तैयार की थी उस पर भी मैंने ग्राफ्टिंग कर दी है, जो भी मेरे पास देसी प्लांट थे ना मैं सब पे ग्राफ्टिंग कर दी है मैंने, कोई प्लांट मेरे पास अब देसी नहीं बचा सीडलिंग को छोड़ के। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, केयर की बात करूँ अगर तो अब मैं बहुत ज़्यादा ना तो इनको फर्टिलाइज़र कुछ दूँगी, ना ही इन पर मतलब बहुत ज़्यादा पानी तो देना पड़ता है, पानी मेरा बहुत जल्दी सूख जाता है, मुझे रेगुलर वाटरिंग करनी पड़ती है इनमें, क्योंकि मिट्टी मेरी बहुत ही वेल ड्रेन है। और आप चाहे तो अभी भी अक्टूबर के मंथ में एक बार अगर आपने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो एक एक मुट्ठी कंपोस्ट और थोड़ा सा बोन मिल, थोड़ी सी नीम खली मिला करके प्लांट में दीजिए, प्लांट आपका बहुत अच्छा हेल्दी इसी तरह से फ्लावरिंग करेगा। एक न्यू कलर और मेरे गार्डन में आया है, देखिए पर्पल कलर का, ये देखिए थोड़ा कलर फेड हो गया, नहीं तो डार्क था एकदम, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, अभी थोड़ा सा पुराना हो गया तो कम अच्छा दिख रहा है। और एक ये न्यू कलर खिलने वाला, बहुत खूबसूरत सा कलर है इसका, प्लांट मेरे एक फ्रेंड ने जबरन मुझसे मतलब मांगा तो मैंने सेल कर दिया उसको भी, नहीं तो मन नहीं था, क्योंकि मैं उसको ग्राफ्ट करके और प्लांट तैयार करना चाहती थी, तो मैंने फिर ग्राफ्टिंग भी की है, एक प्लांट की प्रूनिंग करके ग्राफ्ट भी किया है, 5-6 प्लांट तैयार कर लिए हैं, तो अभी मतलब तैयार तो नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा सक्सेस। तो बस फ्रेंड्स फंगीसाइड के स्प्रे भी आप कर सकते हैं, और फ्लावरिंग के लिए आप एक बार चाहे तो 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, उससे प्लांट की ग्रोथ भी होगी, और चाहे तो